जय हिंद एवरीवन। तो हम जा रहे हैं हमीरपुर को, तो मैं आपको अपना ट्रैकिंग का जो जो सामान है वो दिखाऊंगा क्या क्या मैंने रखा है। तो हेलमेट आप देख सकते हो और मैं जैकेट भी लेके जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ हैं मेरे ग्लव्स, वहाँ पे लाइट और ये टीवीएस वालों ने दी थी किट, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, और ये सेफ्टी गेयर्स हैं मेरे शोल्डर नी वगैरह के लिए। तो दवाइयाँ भी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी कभी भी, चश्मा तो आपको पता लेके जाना था, और ये है बैग, ट्रैकिंग बैग है ये, इसमें सारा सामान आ जाता है भर भर, बैंड्स भी और ये भी क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो क्रीम भी लेके जा रहा हूँ मैं, बाकी एयरपोर्ट्स क्योंकि नेटवर्क नहीं होते वहाँ पे तो कई बार आवाज़ भी नहीं आती, तो इसके लिए, और वॉच, वॉच तो ज़रूरी है आपको पता, कई बार अगर फ़ोन बंद हो तो इससे टाइम दे सकते हैं। आग ही ये तो सेफ्टी के लिए है जैसे कुछ भी हो जाए तो, और ये भी ज़रूरी है, और ये आपको पता ये तो डालने चाहिए बेटा। और वो एक जैकेट ली है मैंने, जैकेट ज़रूरी है क्योंकि पहाड़ों में। और ये हम कल अब हमीरपुर को, फिर वहाँ से जाएंगे हम मनी महेश को। ठीक है, ध्यान से जाना ना। ओके बाय। तो हम रुके थे अभी पंजारा को, तो ये है पंजारा रोड, यहाँ से हम सीधा निकलेंगे अब स्वारघाट रोड। तो भाई एक्सीडेंट हुआ है, पत्थर गिरा है ऊपर से, तो देखें ऊपर से पत्थर गिरा है, पूरी गड्डी होगी भी ख़राब। तो आज मैं अकेला, मेरा दोस्त अभी भी नहीं है आज मेरे साथ बेचारा, नहीं तो वो होता था हमेशा मेरे साथ। और आज मैं जा रहा हूँ हमीरपुर अपने इलाके में, और फिर वहाँ से जाएंगे हम मनी महेश। तो देख सकते हो आप नालागढ़ के, स्वारगढ़ के रोड भी बहुत बढ़िया बन चुके हैं, अब बस थोड़ा आजकल आपको पता पत्थर पुत्थर गिरे तो वो थोड़ा डर है। पीछे एक्सीडेंट भी हुआ हुआ था गाड़ी का, उनका मतलब पत्थर गिरा हुआ था उस पर। और तो आज मैं चलूँगा, आज जा रहा हूँ मैं स्वारघाट होके जो न्यू मनाली हाईवे वहाँ से जाऊँगा आज मैं। तो देख सकते हो आप यहाँ की कुछ हसीन वादियाँ, टाइम भी होने वाला है अब 12 बजने वाले हैं, मेरे को पहुंचना है 2 बजे से पहले पहले, और मैं पहुंचूंगा 2 बजे से पहले पहले, मैंने पहुंचना है भोटा हमीरपुर में। तो मिलते हैं। ये देखो क्या हो गया है स्वारघाट रोड पे, पूरा ही पहाड़ नीचे आ गया है और रोड बिल्कुल छोटा बन गया है, यहाँ पे सिंगल सिंगल एक ही गाड़ियाँ जा रही हैं। यहाँ पे चुके हैं हम इस टाइम मनाली NH में, तो देख सकते हो आप यहाँ का व्यू ही बहुत मस्त लगता है ये वाला। तो हम निकल आए हैं नालागढ़, नंबर वन एशियन ट्रक यूनियन सबसे बड़ी है नालागढ़ की ट्रक यूनियन, वहाँ से हम निकल आए हैं और हम रुक कर रहे हैं अब अपने हमीरपुर के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पे व्यू बहुत मस्त है, बाइक मेरी और मैं हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से हम सीधा निकलेंगे, यहाँ पे 3 टनलें मिलेगी हमें और सीधा बिलासपुर वाले रोड, और सीधा हम जाएंगे घुमारवी में। तो जो मनाली का हाईवे रोड है यहाँ पे, मतलब लिमिट भी लगी है, तो 60 के ऊपर जाओगे तो चलान आएगा सीधा जो रजिस्टर नंबर है। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट भी है, तो मतलब नॉर्मल स्पीड में चले यहाँ पे। आगे देख सकते हो कैसा रोड है यहाँ पे हाईवे, तो स्पीड पे ज़रूर ध्यान रखें यहाँ पे क्योंकि चलान हो सकता है कभी भी अगर 60 से ऊपर हो आप। इस टाइम उखड़ी का बाज़ार, और ये है मेरे भाई की शॉप, यहाँ पे देख सकते हो नया भी नहीं है ये सुबह से। तो हम कहाँ रुके हैं, उखड़ी में, तो यहाँ पे है हम जो भी मिलेगा यहाँ पे। तो ये मेरी मासी का लड़का है, गलती से है उनका लड़का वैसे, ये पता नहीं क्यों है उनका लड़का ये, दो समझाए थे निभाओ। तो यहाँ पे हमारा नेपाली सेवा कर रहा है पूरी हमारी, वो माच गेरा का जो है क्या बंदा, वो देख नेपाली को दे सकते हो। तो मैं इनके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही खाने को लाया, बंदों ने पानी के लिए भी नहीं पूछा, अब जबरदस्ती भेजा मैंने इनको, भाग गया। अब देखो तो बारिश लगने से पहले ही पहुंच गया मैं यहाँ पे, घुमारवी में भी लगी थी बारिश, देख सकते हो इसको छपरी को कटिंग दिखाओ नहीं। बारिश लग गई उससे पहले पहुंच गया मैं, घुमारवी में लगी थी ज़्यादा बारिश, फिर उसे मैं मतलब वहाँ से तेज़ हो गया था थोड़ा, फिर जैसे जैसे आगे आगे गया मैं वहाँ पे बारिश रुक गई। तो अब मैं घर पहुँचा हूँ नानी जी के, वहाँ भी लगी है बारिश देख सकते हो आप।
जो ऐसे घर होते हैं यहाँ पे स्लेटी वाले भाई, तो खेती देख सकते हो कोठों पे ही हुई है इनके, यहाँ पे लग जाती हैं सब्जियाँ वगैरह। तो बाकी मैं जाऊँगा कल सुबह हमीरपुर को, फिर वहाँ से मैं सीधा जाऊँगा मणिमहेश को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल ही। जय हिंद जय भारत।